ব্লগটা বন্ধ করো ক্যামেরাম্যান, তুমিও বন্ধ করো ব্লগটা। शादी बाड़ी के बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है, जिसमें दिखाता है कि अनइनवाइटेड शादी बाड़ी में जाके मैंने बहुत सारा खाना खाया, ये खाया वो खाया, वो सब से कितना बड़ा झूठ होता है, स्कैम होता है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं खुद एक्टिंग करूंगा, अपने आप को ही रोस्ट करूंगा ताकि आप लोगों को कुछ हद तक ये समझ में आए। मैंने ये एक मजेदार कॉन्टेंट होने वाला है गाइस, अंत तक देखना जरूर। कॉन्टेंट आपको पता है मैं कोई कॉन्टेंट नहीं छोड़ता हूँ। इस साल मेरे को बहुत दिन से इच्छा था कि एक शादी बाड़ी में जाए खाना खाने के लिए। मेरे साथ आज है डिसलाइक, यानी कि सुबोजी, एंड डिसलाइक किसे क्यों कहते हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन आज होने वाला है अनइनवाइटेड बीए बाड़ी हेस्ट या फिर शादी बाड़ी हेस्ट, मतलब हम जाएंगे खाना खाएंगे बिना पकड़े जाए, तो चलो बातें नहीं करेंगे। किसका है क्या ये? तो तुमने सही कहा यार, गिफ्ट तो नहीं है। एक काम करते हैं, इधर आसपास में तुम्हें पता है ना कहीं गिफ्ट मिलता है तो भाई गिफ्ट तो लेना पड़ेगा, वरना अंदर तो नहीं घुस पाएंगे। गिफ्ट एक्चुअली गेट पास होता है। चलो चलो भाई, पहले गिफ्ट लेके आते हैं। तो फाइनली गिफ्ट भी आ गया। गिफ्ट नहीं बोलेंगे इसे, हम लोग बोलेंगे गेट पास, हम दोनों के लिए, ठीक है। तो अंदर जाएंगे एंड ये रहेगा तो लेजिबल है सब कुछ, मैंने कोई कुछ नहीं कहेगा हमें। एंड बाकी तो आपको पता ही है, अंदर बहुत सारा खाना रहेगा। रुका नहीं जा रहा, तुमसे भी नहीं रुका जा रहा है ना। चलो देखो देखो मेरे कैमरामैन को देखो, कहाँ फोकस कर रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। बाप रे बाप, कितना ज्यादा भीड़ है गाइस अंदर, एंड हाथ में है गिफ्ट, कैसे दूंगा मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, अब उतना डेयरिंग तो हो नहीं सकते, तो इतना नर्वसनेस तो दिखाना पड़ेगा ही ना, वरना समझ में तो नहीं आएगा कि ये अनइनवाइटेड है कि इनवाइटेड है, समझ सकते हो ना। तो ऐसा ही करता है वो लोग। दीदी लेकिन बहुत सुंदर है, दीदी को देना पड़ेगा पहले, ठीक है, कोई बात नहीं। गिफ्ट क्या बोलता हूँ मैं, देना पड़ेगा। तो फाइनली इतने क्राउड के बीच में एक जगह मिल गया है हम लोग को, थोड़ा कॉफी खा के रिलैक्स करूंगा। बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है गाइस, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, एंड आपको पता है फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज में बहुत ज्यादा नर्वसनेस होता है। एंड गाइस, मैंने कभी इससे पहले अनइनवाइटेड कोई भी जगह में नहीं गया हूँ, तो बीए बाड़ी तो मतलब शादी बाड़ी तो छोड़ ही दो। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है ये लड़का, इससे पहले कभी अनइनवाइटेड नहीं गया है। हाँ मानता हूँ नहीं गए हो, लेकिन इसमें भी तो नहीं आए हो ना अनइनवाइटेड, वो भी बता दो। तो बाहर का नजारा अच्छा आ रहा है, लेकिन इसी बार बहाने हम इधर खड़ा होके आराम से कॉफी वॉफी पियेंगे। अभी कोई फिलहाल तो नहीं है आसपास, लेकिन पास वाला जो रूम है यही है मेन, जो मैंने लड़के लोग की तरफ से जो लोग आते हैं ये उनका रेस्ट रूम है, डर तो इसीलिए लग रहा है, लेकिन तब भी कोई मैनेजेबल है। चलो कुछ नहीं होगा भाई, गॉड ग्रेस। वाह क्या एक्टिंग करता हूँ मैं भाई, शाबाश। सोच रहा हूँ अगला शॉर्ट फिल्म बनाऊँ, क्या कहते हो आप? व्यू देख लो भाई, कितना सुंदर व्यू है भाई। ये आ गया हमारा विलेन, एंड अभी विलेन का एंट्री हो गया गाइस, अभी बहुत अच्छे से एकदम क्या बोलूं मैं, जान आ जाएगा इस शो में, तो शो को आगे देखते रहो। एंड गलती देखिएगा हमारे विलेन भाई साहब का, कैसे मुस्कुराते हैं, मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ, आंखों की इंगी बिंगी से समझ में आ जाएगा कि आपको ये सब डुप्लीकेट हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉगर्स डुप्लीकेट बना के व्यूज, लाखों लाखों व्यूज लेके जा रहे हैं। चलिए मैं उनको नहीं रोस्ट करूंगा, मैं खुद को ही रोस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा किया। एक्चुअली मैं हम लोग ब्लॉगर हैं, ठीक है। हाँ हमें तो मालूम नहीं है, फिर आगे बोलिए। दीदी तरफ से मैंने हम लोग को इनवाइट किया गया है शादी बाड़ी में। नर्दिक चिंता वर्षी में आपने दीदी नाम क्या बोलूँ पहले?
बड़े चालाक है हमारे विलन भैया, आप समझ सकते हो, बड़े चालाक है हमारे विलन भैया, सही जगह में हाथ डाले हो। नाम बताओ दीदी का, ये तो हर एक सीन में होता है बे, इसमें क्या नई बात है। ओहो, हमारे हीरो इधर अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि मैंने आसपास से सुना है उनका नाम है मामपी, एंड कोई रैंडम सा नेम चिपका देते हैं। ये हर एक व्लॉग की यही कहानी है अनइनवाइटेड व्लॉग्स की। वैसे मैंने भी आपको दिखाया कि ऐसा ही होता है। ओहो, और एक बात, हमारे कैमरामैन भैया को देखो, पता चल गया कि उसे कि वो लोग पकड़े गए हैं। कोई नर्वसनेस नहीं है भाई। भाई कौन है ये कौन है, ये दीदी का भाई है, हट यार, ये कुछ भी नहीं है। मतलब उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा ही है, वो बेचारा एकदम आराम से पकड़ा हुआ रेला में अपना व्लॉग बना रहा है। अरे समझ सकते हो, इसी से समझ जाना चाहिए था भाई, उसके बाद और व्यू नहीं देना चाहिए था आप लोगों को भाई, तब भी व्यू देते हो, क्या बताओ यार, तुम लोग भी गधे रह गए हो। না দেখুন, আমি অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ করে এরকম কোনোদিন সম্মুখীন হইনি, মানে এরকম একটা পরিস্থিতি আমি কোনো পাইনি, মানে মানে বহুতই ফ্রিলি যাতা হু, কহি ভি যাতা হু তো বহুতই ফ্রিলি যাতা হু আর আরাম সে ব্লগ করতে হু। লেকিন ইদার আগে মেরে কো লাগ রহা হ্যায় কি আপ থোড়া সা মেরে উপর নারাজ হ্যায় কুছ বাত সে লেকিন লেকিন ক্যা বলুন মানে। ঠিক আছে, তো এখন এই ব্লগটা বন্ধ করো ক্যামেরাম্যান, তুমিও বন্ধ করো ব্লগটা। কেন মানে ব্লগটা কেন বন্ধ করো, আই মিন কেন হবে ব্লগটা, না ব্লগ এখানে করা যাবে, আপনি বলে যাচ্ছে যে আমি ফিনিশ করতে নেছি। भाई भाई भाई, इतना प्यार से कैमरा बंद कर दिया, मतलब कैमरा बंद किया जा रहा है ताकि माने लग रहा है कि उसी का कैमरा है ये। हमारे विलन भाई साहब, और थोड़ा सा रफ बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, माने हम बात कर रहे हैं हमारे सारे विलन भाई साहबों की, ठीक है, जब भी आए तो कैमरा मैमरा पटक दीजिए, जाइए जाइए, 2-3 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका व्लॉग में बहुत इनकम हो जाएगा और ज्यादा व्यूज मिल जाएगा, तब तो रियलिस्टिक लगेगा ना। इतना प्यार से कौन कैमरा बंद करता है भाई। नहीं भाई, कैमरा क्यों बंद करूं, मतलब मेरा मतलब है कि हम लोग व्लॉग कर रहे हैं, आपको विश्वास शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये स्वाभाविक है कि विश्वास नहीं होगा, और आप उससे पूछ लो ना, और हम कोनो कुछ बड़ा जाता है व्लॉग में बंद करता है, तुम्हारा बिना इनवर्टर नेस्टर हम लोग बोलते पड़ेंगे, दादा बुझते मैंने भैया को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ उनको, मैं थोड़ा सा दीदी से मिल लूँ, तब तक मसला करते हैं, देखते हैं आपस में, अभी फिलहाल के लिए बंद करते हैं। तो गाइस, बेसिकली आप लोग समझ सकते हो, मैंने आप लोग क्या समझो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये हमारा प्री प्लान या फिर अनप्लान, इनवाइटेड या फिर नॉन इनवाइटेड, सब कुछ बोल सकते हो, क्योंकि ये मेरा भाई टाइप का है, मैंने एकदम बहुत ही क्लोज भाई है, तो इसी ने मेरे को एकदम फाइनल मोमेंट में इन्वाइट किया था, एंड मैं तो दीदी का भी नाम नहीं जानता था, इसने मेरे को बताया कि इसका मैंने क्लोज दीदी है, तो उसका नाम, उनका नाम है मामपी दी, एंड मामपी दी राइट, तो मामपी दी एंड भैया मैंने जो दीदी जीजा जी है ना, उनको भी मैं पहचानता नहीं हूँ, अभी भी नहीं जानता उनका नाम, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जाके मैनेज करने के लिए, वो सब बहुत खराब लग रहा है दिल से, सॉरी भाई इतना परेशान करने के लिए। दादा ही है, खूब दिन आलाप ना है, खूब कम ही आलाप बोले अबे, बट भाई ने बहुत मेहनत किया इस वीडियो में, एक लास्ट वाह वाह भाई, मैंने आई मीन टू से कि इतना जल्दी कैसे भाई भरत मिलाप हो गया आप लोगों का, अभी तो झगड़ा कर रहे थे ना, अभी इसको बोल रहे थे कैमरा बंद करो, वो करो वो करो, उसके बाद हो गया सब कुछ, क्या सेटलमेंट करते हो भाई, और एक्टिंग नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहिए था ना भाई। एक ही बात बोलूंगा हर एक ब्लॉगर से जो ऐसा कंटेंट बनाते हो, भाई विश्वास करो,
ये एक टाइप के कंटेंट देखते देखते ना दिमाग का 12 बज चुका है। अब और नहीं देखना है मेरे को ऐसा कंटेंट, हम लोगों को नहीं देखना है। और जो व्यूज देता है ना आप लोगों को, वो पक्का पिकाचू ऑडियंस है। पिकाचू ऑडियंस के अलावा आप लोगों को कोई नॉर्मल इंसान व्यू नहीं देगा, समझते नहीं हो यार तुम लोग। थोड़ा सा एक चीटिंग हम लोग ने किया, लेकिन कोशिश किया कि आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा भी बहुत केस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली भाई को और एक चीज बताऊंगा कि भाई बहुत ही जेन्युइन बंदा है। तो चलो खाना खाते हैं, अभी हम लोग तीनों ही भूखे हैं। और पीछे देख लो सूजीत कितना गेटअप करके आया है। सूजीत आज क्या लड़की वड़की लेके जाओगे घर? एंड इतना सब कुछ करने के बाद राक्षस की तरह खाना तो बनता है गाइस, क्योंकि पता ही है इतना मेहनत के बाद अगर पेट पूजा ना हो तो क्या फायदा। तो देखो मैं ऐसे कुछ खाता हूँ, बहुत तेज तेज मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि खाने का रिव्यू देने का कुछ है नहीं, बहुत ही टेस्टी खाना हुआ था। एंड वंस अगेन थैंक्स टू दैट भाई शायोन हु गेव मी द चांस ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को भाई नॉर्मल किसी भी परिचित या फिर मैं अपने रिलेटिव्स के बीच में जाके व्लॉग तो बनाता नहीं हूँ, बहुत रेयर बनाता हूँ, लेकिन बनाऊंगा तो ऐसे फ्रीली नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया था, तब भी बहुत नर्वसनेस हुआ था, क्योंकि पहला टाइम मैंने बनाया ऐसा कोई वीडियो, तो कोई भूल चूक हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके बाद आते एक फूड व्लॉग लेके, एक परफेक्ट वाला फूड व्लॉग लेके, ऐसा ये रोस्ट वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को पता नहीं। एंड हाँ, और एक चीज का आंसर हमको जरूर से देना कि हिंदी में ब्लॉग बनाया जाए कि हिंदी बंगाली सब कुछ मिक्स करके ब्लॉग बनाया जाए, तो आप लोग कौन सा देखना प्रेफर करोगे। एंड अगर इतना देर तक ब्लॉग देखते हो तो प्लीज एक लाइक कर दो, चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट एंड खाते रहो।